चुनाव का, चुनाव का बीजेपी सरकार का भी बहिष्कार करेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार इतना टाइम हो गया हमें बेवकूफ बनाई जा रही है कि हमें निकाल के हमारी जगह पे फिर दोबारा भर्ती कर रही है। ऐसा कहीं होता है कि मेरिट बन के फिर उसको डीमेरिट किया जाए? हम लोग मेरिट से सिलेक्शन हुआ है, सब क्वालिफाइड है। आपका कहना है आपने लंबे समय से आप ज्ञापन दे रहे हैं और सिंधिया जी को भी चार बार दे चुके, तो इसको लेकर के अभी तक की कोई प्रतिक्रिया हुई? किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अभी सिंधिया जी का क्या कहना है? उनका कहना था कि हम बात करेंगे, किससे बात करें? अगर हम ये बताएंगे महाराज को कि जनता की उसकी समस्याओं का निदान वो किससे करेंगे, तो फिर वो महाराज किस बात के हैं? वो ग्वालियर में महाराज बन के बैठे, अगर ग्वालियर की जनता की नहीं सुन सकते तो किस बात के महाराज हैं? कोई जब जो परवान लगे हुए थे वो भी काम करने के लिए तैयार नहीं थे, उस टाइम पे हम अपने घर वालों को सबको अपनी जान जोखिम में डाल के हम काम करने आगे आए, और अब जब काम निकल गया सरकार का तो हमें घर से बाहर कर दिया है। आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? उग्र आंदोलन करेंगे और आत्म दे करेंगे। कोरोना बैरियर के क्योंकि जब हम मौत के हाथ में लेके अपनी हथेली पे, ठीक है, जब हम ड्यूटी कर सकते हैं तो हम मौत से डरने वाले नहीं है, ना ही पुलिस की लाठियों से डरने वाले हैं जो पिछली बार उन्होंने भोपाल में हमारे ऊपर बरसाई थी। कोरोना अब की बार अगर उन्होंने गलती करी ना तो उसका खामियाजा आ जाएगी, सरकार को भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ की जनता की, तो महाराज की भी कौन जनता सुनेगी? कोई नहीं सुनेगी जनता। आज हमारे साथ के समर्थन अभी जनता का है, ठीक है, जनता अगले इलेक्शन में वोटिंग तो मांगने आएंगे ना सारे विधायक, प्रधमन सिंह तोमर जी भी आएंगे ना, हाथ जोड़ के बहन जी माता जी करते हैं।